Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope आप सब खैरियत से होंगे और vlogs भी enjoy करेंगे. So let's start today's vlog. आज से again मुझे दोबारा lectures attend करने जाना पड़ा है, जो कि 1 week के लिए मुझे जाना पड़ेगा. और खैर यहाँ पे मैं जल्दी से बस में पहुँच चुकी हूँ. और यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बस में रश था, बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने के लिए. और मैं काफ़ी टाइम तक मैं बस पे खड़ी होके ही गई थी. यहाँ पे फाइनली मुझे सीट मिल गई और मैं यहाँ पे बैठी हूँ. चलें जी, यहाँ पे मैं बात कर रही थी लेक्चर्स का, बता रही थी आपको 1 week के लिए मुझे जाना पड़ा है लेक्चर अटेंड करने के लिए. मज़े की बात यह थी कि मुझे आई हार्बर कैंपस नहीं जाना पड़ा था, बिकॉज वो 2 hours के डिस्टेंस पे था. आई हार्बर कैंपस जाना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, बिकॉज मेरे अपार्टमेंट से वो 2 hours के डिस्टेंस पे है, इसलिए मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है. चलें जी, यहाँ पे मैं आपको एक शान जाता हूँ एक और जो कैंपस है वो इंट्रोड्यूस करवाती हूँ. इसका नाम है यांता कैंपस. वैसे बेसिकली तो ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है और या इकोनॉमिक्स वालों को, फाइनेंस वालों के लिए भी है. स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है वो जो यांता कैंपस में ही है बेसिकली, बट जो क्लासेस थी उसकी आई हार्बर में ही होती थी. खैर जो तो हम लोग को आई हार्बर जाना पड़ता था बहुत ज़्यादा दूर. यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच चुकी थी और 10 minutes रह गए थे लेक्चर स्टार्ट होने में, और मैं तेज तेज चल रही थी मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ, जो कि वैसे पास ही था. यहाँ मैं जल्दी से 2 minutes पहले ही मैं पहुँच चुकी थी. यहाँ पे श्यान जाथोंग यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल है ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं मेडिकल के MBBS करने. और मैं फुल ट्राई करूँगी कि आप लोगों को भी यांता कैंपस का और मेडिकल जो इसका डिपार्टमेंट है उसका भी विजिट करवा दूं. और वैसे भी ये जो गेट है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का जो मेन गेट है डिपार्टमेंट के सामने जो गेट है, ये जल्दी आ जाता है. इससे जो नेक्स्ट गेट है वो मेडिकल वालों का है, वो थोड़ा दूर है, इससे जल्दी इसलिए मैं पहुँच गई. ये यहाँ पे पार्सल पड़े हुए हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो यहाँ पे गेट पे जो लोग रहते हैं स्टूडेंट इन साइड दिस कैंपस. और यहाँ पे मेरे मोबाइल का जो है अलार्म है वो बज रहा था. जो मोबाइल था वो बैग में पड़ा हुआ था, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि या तो मैं वीडियो बना सकती थी या फिर मैं मोबाइल निकाल के उसका अलार्म बंद कर सकती, इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ा बचने दो और वीडियो अपनी कम्प्लीट कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा. और ये है डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वालों का, जो इस साल हुआ है अच्छा इकोनॉमिक्स वालों को, के जिनके भी नए एडमिशन हुए हैं इस साल में वो यांता कैंपस में ही उनको शिफ्ट कर दिया. और क्लासेस भी सारी यांता कैंपस में होंगी. हमारी बार हम लोग जिस बैच में थे वो तो आई हार्बर में क्लासेस भी थी और वहाँ पर ही हम लोगों को रुकना था, पर यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट्स अब आएंगे उनको ये उनके लिए बेनिफिट है कि उनको यहाँ तक कैंपस में रुक सकते हैं, उनको यहाँ हार्बर में नहीं रुकना पड़ेगा और क्लासेस भी यहाँ पे हुआ करेंगे. होप सो यहाँ पे क्लासरूम जो है वो जल्दी से मुझे मिल जाए और मैं टाइम पे ही पहुँच जाऊँ. और ये जो लेक्चर था ये टोटली ही चाइनीज में था, बिकॉज ये जो मेरे कोर्स से रिलेटेड नहीं था. ये 5 lectures अटेंड करते थे क्योंकि ये 5 lectures ऑलरेडी डाल के थे. अब ये लोग सोच रहे होंगे कि हमें भी चाइनीज लैंग्वेज में ही कोर्सेज करवाएंगे. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो कोर्स वर्क है वो टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और क्लासेज भी इंग्लिश में ही होती है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है. फाइनली यहाँ पे लेक्चर जो है वो एंड हो चुका था, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी आपको क्लासरूम की वीडियो बना के दिखा दूँ. यहाँ पे मैं जा रही थी वापस. वैसे तो जो लेक्चर का टाइम था वो था 6 PM तक, बट आज लेक्चर जो था वो बहुत ही जल्दी लेट हो चुका था. 4:30 के राउंड अबाउट मैं फ्री हो चुकी थी और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि मैं जल्दी से घर जाऊँगी और जल्द टाइम पर ही मैं पहुँचूँगी, वरना मुझे लग रहा था मैं 7 PM तक ही घर पहुँचूँगी और बहुत ही ज़्यादा मुझे लेट हो जाएगी, बिकॉज जाके होमवर्क भी करवाना होता है समन को और मैंने कुकिंग भी करनी थी. और जैसा कि आज मैं घर पर भी नहीं थी और बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मैस क्रिएट किया हुआ. यहाँ पर मैं एक शॉप पर जाती थी बिकॉज मुझे चेंज चाहिए था और बस में यूज़ करने के लिए मेरे पास कॉइन नहीं थे. वैसे तो वी चैट से भी पेमेंट हो जाती है, बट मेरा जो वी चैट है वो पेमेंट उससे नहीं हो रही थी, इसलिए फिर मैं जल्दी से गई और मैंने यहाँ से चेंज किया. और वैसे मुझे लगा था कि मुझे कुछ परचेज करना पड़ेगा तो ही मुझे चेंज मिलेगा, बट ऐसा नहीं था, उन्होंने मुझे चेंज दे दिया. और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बस के स्टॉप पर और वेट कर रही हूँ बस का. और मैंने कहा थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ आपको, मुझे बहुत ही प्यारा सा व्यू लग रहा था बिकॉज इतनी टाइनिंग रूटीन और क्लास के बाद मैं ग्रीनरी देख के बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही थी और बहुत ही अच्छा व्यू था जी. और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ घर और मैं यहाँ से जल्दी से बना रही हूँ फ़िश, बिकॉज फ़िश कन्वीनियंट है, बहुत जल्दी से बन जाती है. और ये मैं चाइनीज स्टाइल की फ़िश बना रही थी. इसमें मैंने एक फ़िश लिया और उसमें मैंने 1 tablespoon सॉल्ट ऐड किया और 1 tablespoon मैंने इसमें सोयाबीन जो पेस्ट थी वो ऐड की और 4 tablespoon अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ.
और सोया सॉस थी, ये लाइट सोया सॉस थी और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो डार्क सोया सॉस ऐड की थी, जो कि थोड़ी सी फ्लेवर में लाइट सोया सॉस से थोड़ी सी चेंज होती है। और साथ में ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड किया था। ऑयस्टर सॉस ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च ऐड कर दिया और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली, जो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है यहाँ की, तो इसको बस बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करें और ये ग्रीन चिली से 5 times more स्पाइसी होती है, वो मैंने ऐड कर दी और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और 1/2 hour के लिए मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया, जो स्पाइसेस है वो फिश में मिक्स हो जाए। और मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करना भूल गई थी, वैसे ये ऑप्शन है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अगर चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर इसमें ऐड किया था और यहाँ पे मैंने फिश को कुक करने के लिए थोड़ा सा ऑयल लिया था पैन में और उसमें मैंने 6 से 7 क्लोव गार्लिक के और थोड़ा सा जिंजर डाल दिया था और साथ में अनियन और ग्रीन कैप्सिकम डाल के इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया, ज्यादा नहीं फ्राई करना, जस्ट लाइक सोते ही करना है इसको, ताकि जितनी भी सब चीजें हैं इसके जो अच्छी सी अरोमा है वो ऑयल में मिक्स हो जाए। और ये यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं और मैं इसमें फिश ऐड कर रही हूँ जो मैंने मैरिनेट की थी। ये फिश जो है वो खुले पैंदे के बर्तन में ही ज्यादा सही रहती है, बिकॉज तो जो पीसेज है वो इवनली स्प्रेड हो जाते हैं पैन में और वो अच्छे से भी हो जाते हैं। उस फिश के ऐड करने के बाद जो बची हुई मैरिनेशन थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली और साथ में मैंने इसमें मशरूम ऐड कर दिया, ये ड्राइड मशरूम थे और इसमें मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर मैंने 1/2 जो बाउल था वो मैंने ऐड इतना ऐड किया, आप चाहें तो कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।